हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो हमारे पास सर गाड़ी है जो है टिप्पर है। तो ये गाड़ी जो ड्राइवर कहना है कि गाड़ी रेस नहीं हो रहा है, पूरा एक्सीलेटर दबा दे रहे हैं फिर भी रेस नहीं हो रहा। चलिए अभी गाड़ी में चलते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है और आपको भी दिखाएंगे। देखते हैं पूरा रेस नहीं हो रहा, गाड़ी प्लस आदमी ज़्यादा नहीं जा रहा है। ये देखिए छोड़ दे रहे हैं, छोड़ दिया, गाड़ी बंद हो गई। तो ये फिर से चालू करते हैं और देखते हैं रेस पर कि नहीं। देख सकते हैं इन्वर्टर में लाइट वाइट नहीं आ रहा है। अभी आरपीएम 6 पे है, तो अभी हम रेस करते हैं तो थोड़ा आरपीएम बढ़ता है, उसके 10 से ज़्यादा नहीं, 10.5 से ज़्यादा नहीं जा रहा। यहाँ पर देख सकते हैं हमने इतना दबाया है पूरा, और यहाँ पर देख सकते हैं 12-13 तक आरपीएम जा रहा है, इससे ज़्यादा आरपीएम नहीं जा रहा। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है आज, जल्दी जल्दी बताएं, कमेंट कीजिए, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने लैपटॉप भी कनेक्ट किया, तो यहाँ पे कोई फॉल्ट कोड भी नहीं आ रहा, तो हमको मैकेनिकल चेक करना पड़ेगा। तो चलिए चेक करेंगे बाकी का आगे का। डाटा लॉग में भी आ चुके हैं और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, डीजल का भी प्रेशर आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 550 के करीब जब रेस दे रहे हैं, तो यहाँ पे 800 जा रहा है, 850 जा रहा है। और गाड़ी का देख सकते हैं ज़्यादा रेस नहीं हो पा रहा है, 13 से ज़्यादा नहीं जा रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं फेस टू है गाड़ी, और पूरा हमने स्पीडर सब लगा दिया है, पूरा यहाँ पर दबा दिया है, फिर भी गाड़ी रेस नहीं। तो यहाँ पे हमने इसका जो डीजल फिल्टर भी खोल के देखा, तो यहाँ पे डीजल फिल्टर भी चोक नहीं मिला है, थोड़ा बहुत जो है काला हुआ, बाकी जो सही है फिल्टर, क्योंकि अभी नया ही गाड़ी है तो अभी इसमें जो है फिल्टर चोक का प्रॉब्लम नहीं आया है। तो बाकी हमको जो है आगे का चेक करना पड़ेगा, पाइपलाइन भी चेक करेंगे और देखते हैं हमको कहीं पाइपलाइन में प्रॉब्लम मिलता है कि नहीं, वो हम चेक करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो यहाँ पर जैसे जो इसका फिल्टर का पार्ट नंबर थोड़ा चेंज है और सब गाड़ी से अलग है, फेस टू का जो फिल्टर आया है। तो यहाँ पर जैसे हमने डीजल लाइन का चेक किया, तो हमको डीजल लाइन के यहाँ पे प्रॉब्लम मिला है, एक बार दिखा देते हैं आपको नज़दीक से, क्योंकि गाड़ी में कोई फॉल्ट कोड भी नहीं आ रहा। यहाँ पर देख सकते हैं पाइप लाइन जो बैंड है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा बैंड हो गया है इसकी। तो अभी इसको खोलते हैं और देखते हैं, लेते हैं इसको क्लेम पे और पाइप को सीधा करेंगे, उसके बाद फिर गाड़ी प्रेस करके दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पाइप की कंडीशन कैसे बैंड होती है। तो अभी हमने पाइप को साइड में दिखा देते हैं आपको, देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको ठीक कर लिया है और यहाँ पे टाई क्लिप में साइड में बांध दिया है, आपको साफ दिख रहा है। तो चलिए अभी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रेस हो रहा कि नहीं, अभी वो चेक करेंगे। अभी रेस करते हैं और देखते हैं गाड़ी चालू हो रहा कि नहीं, रेस हो रहा कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी गाड़ी स्टार्ट हो चुका है, तो अभी हम रेस बढ़ा रहे हैं, देख सकते हैं पूरा रेस बढ़ाएंगे। ये देखिए पूरा रेस हमने बढ़ा दिया और आर भी हम देख सकते हैं अभी 25-26 तक चल गया। ये देखिए देख सकते हैं यहाँ पे भी रेस गाड़ी हो रहा है प्रॉपर सही,
चलिए अभी प्रेशर दिखाते हैं, अभी रेस कर रहे हैं गाड़ी को, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो है प्रेशर छोड़, तो 1300 तक जा रहा, सही है प्रेशर हमारा भी, और यहाँ पे भी गाड़ी रेस हो रहा है। तो देख सकते हैं हमने गाड़ी को पूरे एकदम सेंटर दबा के रखा है, गाड़ी में कोई फॉल्ट कोड नहीं था, तो आप इसी तरीके से काम कर सकते हैं।